वाम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जनाब जी, मैं क्या आई हूँ घर में कि घर का जो है ना काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि घर बंद था 5-6 माह से, और जिस चीज़ को देखती हूँ वही गंदी भी पड़ी होती है। और आज जो है ना होम डीप क्लीनिंग जो है ना मेरे घर की हो रही है, विंडो साफ़ हो रही हैं, फ्रिज साफ़ हुई है, और फ्रिज तो मैं साफ़ ही करके जाती हूँ लेकिन उसके दरवाजे खुले कर दिए हैं ताकि जो थोड़ी बहुत स्मेल है ना, क्योंकि इसमें मैं ना चूना रख के जाती हूँ। अच्छा, उससे क्या होता है फ्रिज को जंग नहीं लगता, ये जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। वॉशरूम को अच्छी तरह से साफ़ करवा रही हूँ, नीचे और दीवारों पर जो है मैं अच्छी तरह सर्फ़ लगवाती हूँ, और बेसन के ऊपर भी, और कमोड के अंदर जो है वो हार्पिक होगा और साथ में सर्फ़ होगा। और ये अच्छी तरह जो है ना, आज मैंने अपने हेल्पर को कहा कि मुझे ना ये बिल्कुल चमका दो, मुझे साफ़ सुथरा जो है ना वो हो, हर चीज़ को ना ड्राई करना है। और यहाँ पे मैं आई किसी काम से, मैंने कहा रियासत भाई को, मैंने पता नहीं क्या कहना था, और मैं ढूंढ ढूंढ के तो देखा जी तो रियासत और रीना वो ऊपर चढ़े हुए हैं और वो सफाई हो रही है जी ऊपर से, कैबन्स के ना सब ऊपर वाला जो हिस्सा है ना यहाँ से लगा हुआ था एक तरफ ना, वो सफाई कर रहा था। मैं कहा मैं ढूंढ ढूंढ के, जनाब साहब जो है ना यहाँ पे हैं। फिर मैं इस तरह चूना रख देती होती हूँ, और ये फ्रिज जो है ना इसमें से स्मेल नहीं आती, और बिल्कुल आपकी फ्रिज जो है ना वैसी रहेगी। लेकिन आपने ये लाजमी करना है कि अच्छा खासा चूना दोनों कैबन्स में ना आपने रख के जाना है, फ्रिज के दोनों खानों में रख के जाना है। यहाँ पर विंडो साफ़ हो रही हैं, एक एक विंडो का ना। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जो वाइट वाश वाला ब्रश नहीं होता है वो आप ले लें, जो अंदर तक वो होते हैं ना, अगर आपके पास वैक्यूम है तो वैलन गुड, अगर नहीं है तो ये जुगाड़, देसी जुगाड़ जो है ना बेहतरीन है विंडो के लिए। तो एक एक विंडो का जो एक एक हिस्सा होता है ना वो साफ़ हो जाता है। अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग जो है ना मैं घर की करवा रही थी, क्योंकि मुझे जो है ना डिप्रेशन होता है देख देख के ना, अगर घर साफ ना पड़ा हो ना, और जैसे साफ हो। जब मैं आई ईद वाले दिन, ओ माय गॉड, इतनी कोई डस्ट थी, इतना कोई घट्टा मिट्टी, और मैं कहती हूँ कि पता नहीं कि लोगों ने उठा उठा के ना मेरे घर में डाला हुआ था। तो बस मैं लगी हुई थी, फिर मैं खुद जो है ना साथ साथ कर रही थी, क्योंकि वो भी बेचारे लगे हुए थे और साथ साथ मैं भी, जितना मेरे से हो सकता था मैं भी साथ साथ कर रही थी, ताकि जो है ना घर जो है एक तो जल्दी साफ़ हो, दूसरा कोई ना कोई आया रहता है, क्योंकि इतनी देर बाद हम आते हैं तो सारे जो है वो मिलने भी आते हैं। तो मेरा था कि इतना तो साफ़ होना कि बैठने जोगी जगह हो। यहाँ पे मैंने बिल्कुल जो थे सोफ़े वगैरह भी, ये भी बिल्कुल पैक थे, हर चीज़ पैक हुई पड़ी थी। फिर मैंने सारे अनपैक किए, और उसके बाद जो है ना आप साथ साथ में भी लगी हुई थी कि कोई शक्ल जो है ना इसकी निकल आए घर की ना, कुछ साफ़ सुथरा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। और मेरा घर जो बना है ना, इसका स्यापा ही है कि जो, अच्छा पाकिस्तान में ये है, उतना घर में शोर नहीं होता है जितना बाहर जो है ना, कभी बाइक आ रही है, कभी गाड़ी आ रही है, कभी रेडी वाले आ रहे हैं, कभी क्या आ रहे हैं, मतलब हर वक्त जो है ना बाहर कोई ना कोई आवाज़ें जो है ना वो लगी होती हैं। तो ये मेरा जो था ना, मेरा इतना दिल कर रहा था मैं, और मैं यही सोच के आई थी कि मैं वहाँ जाऊँगी, मैं घूमूँ फिरूँगी, और मैं जो है ना क्योंकि यहाँ पे सारे रिलेटिव्स होते हैं, तो कभी किसी के घर जाऊँगी, कभी किसी के घर जाऊँगी। यकीन जाने बिल्कुल भी जाने का टाइम नहीं मिल रहा है, घर से ही जान नहीं छूट रही है। जहाँ देखो, जिस तरफ देखो, कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो निकली होती है कि इसको भी साफ़ करना है, यहाँ से भी सफ़ाई होनी है। और मुझे थोड़ा सा ना इसमें कुछ ज़्यादा ही, मैं अब नॉर्मल हूँ सफ़ाई में, तो ये होता रहता है। तो बाहर से जो नॉइस आ रही है के लिए माजरत, क्योंकि इसके जो है ना ये मुझे झेलना पड़ेगा, क्योंकि कभी को बाइक वाला गुजर रहा है, कभी क्या तमाशा लगा हुआ है। तो अभी शुक्र है कुल्फ़ी वाला नहीं आया, और वो सूखी रोटियों वाले जो रोटियां बेचते हैं। अच्छा, डीप क्लीनिंग हो गई, विंडो साफ़ हो गई, घर साफ़ हो गया, रूम साफ़ अच्छी तरह मैंने करवा लिया। तो यहाँ पे ना उसके बाद ये मेरा होता है यहाँ पे कि मैं लाजमी हर जगह को जो है ना वो देखती हूँ। एक दफ़ा ना मुझे सुकून, दिली सुकून और इत्मीनान जो है ना मिलता है, मैं मेंटली जो है ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ जब हर चीज़ साफ़ सुथरी अपनी अपनी जगह पर पड़ी होती है। साथ मैंने अपने बेडरूम्स की बेडिंग भी चेंज की, और उनके जो कवर्स थे उनको भी चेंज किया, अच्छी तरह धोया, और जो नई बेड शीट्स थी वो बिछाई। ये बच्चों का रूम है, अच्छा यहाँ पर मैंने उनके मैट्रेस अभी तक नहीं बिछाए हुए, लेकिन यह कि ये अभी उसी तरह है ना, बच्चों ने मतलब यूज़ ही नहीं किया अभी ना इन पे मैट्रेस आए। तो सफाई जो है ना घर, हम जाते हैं ना तो मेरा दिल खून के आंसर होता है, मतलब वहाँ पे जाना होता है वापस, फैसल की जॉब होती है तो हमें साथ जाना पड़ता है। घर जो है उसी तरह जो है ना चीज़ें सही नई और जो चीज़ें होती हैं ना वो सारी घटा मट्टी और पता नहीं की उन नज़र हुई होंगी। तो दूसरा रूम भी है अच्छी तरह से, ऊपर तीन रूम है, किसी दिन मैं अपना होम टूर भी दूँगी आप लोगों को। तो ये जो साइड टेबल्स इन पर भी मैंने ना जो वो ग्लास लगा हुआ था उस पर भी मैंने रैप कर दिया अखबारों से, क्योंकि 20 को दिन रहना है, तो मैंने कहा मैं इनको फिर दोबारा करूं, फिर चेंज करूंगी तो बेहतर है कि ये इसी तरह रहे हैं। बस थोड़ा बहुत जो है ना करती हूँ, हाँ जब बच्चों की वेकेशंस आती हैं, समर वेकेशन होती हैं, तब 2-3 माह के लिए आना होता है, तो मैं चीज़ें जो है ना बिल्कुल अनपैक कर देती हूँ, लेकिन अभी भी बिल्कुल मैंने नहीं की, क्योंकि हमने वापस जाना है तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना पैकिंग पर लग जाता है। तो ये जो था ऊपर वाला वाशरूम, सारे अच्छी तरह साफ़ हो गए, और फिर घर की नीटनेस जो है ना देख के मैं बड़ी खुश हो रही थी, खुशबाश हो रही थी, क्योंकि बड़ा सुकून मिलता है मुझे। तो
यहाँ पे अब एक जो मेरा टास्क है ना वो रह गया है कि ये जो फ़ानूस है ना इसको साफ़ करना बहुत बड़ा टास्क है। ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे लगा हुआ है और इसके लिए बहुत बड़ी सीढ़ी चाहिए। उसके बाद इसका एक एक ग्लास उतरेगा और उसके बाद इसकी सफाई होगी। और इस पे मेरी जो है ना अब नज़रें अटकी हुई हैं कि ये मैं किसी ना किसी तरह ना साफ़ कर लूँ। अब देखें कि ये जुगाड़ मैं किस दिन लगाती हूँ और किस तरह ये सारा जो है ना इसकी सफ़ाई होती है। और मैं जो है ना बस चीज़ें उसी तरह पड़ी रहती हैं। घर दिल करता है कि आप इस तरह रहें, आपका घर अच्छा हो, प्यारा सा हो, लेकिन बस जाना पड़ता है। जॉब की वजह से चीज़ें जो है ना करनी पड़ती हैं। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से उसके बाद फिर मुंह हाथ धोया। और शाम के वक्त ये लाजमी होता है कि मैं जो है ना ड्रेस चेंज करती हूँ, क्योंकि दिन सारा जो है वो कामों में गुजर जाता है। और उसके बाद फिर शाम को बस थोड़ा सा रेडी हुई, कपड़े चेंज किए और मैं क्या हूँ, मैं कितने ना घूम फिर आवा, कहीं जाया जाए, कोई थोड़ा सा जो ना घुमा फिरा जाए। तो सोच रही थी कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो देखें अब आज का, अगर तो मेरे में हिम्मत बची, वरना इस टाइम पे आके ना, क्योंकि 3-4 दिनों से सफाइयाँ करवा करवा के वैसे ही मत मारी हुई है, समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पे अपनी बहन के मैंने जो है ना बैंगल्स मारे, मतलब बोरो किए उधार ले, और मैं शोखियाँ मार रही थी ना, यहाँ पे अच्छे लग रहे थे। मैं मनवाती हूँ ना तो उसमें ये स्टोन्स वगैरह नहीं लगे होते हैं मेरे, बिल्कुल वो सिंपल होते हैं, तो मुझे ये ना अच्छे लगे थे। मैंने कहा कि अब नेक्स्ट, जो बड़े अच्छे लगे थे, बड़े प्यारे चूड़ियाँ सी हैं और इनका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि चलें जी 1-2 दिन की जो है ना शोखियाँ मार लीजिए। और बस इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।